नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज अपन चर्चा करने वाले हैं स्पोर्ट काउंसलिंग पर। अब आप बोलोगे सर आप हम जो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप तो वीडियो बना देते हो। साथियों आप सभी के इतने डाउट आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है आपको सही जानकारी दूं, सही इन्फॉर्मेशन दूं। इससे क्या है आपका विश्वास बना रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ जिस प्लेटफॉर्म पर अपन फॉलो करते हैं, जिन लोगों को अपन फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं वो सही है, सही गाइडेंस देते हैं और अच्छी चीजें आपको बताते हैं। तो साथियों मैं बता दूं, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर स्पोर्ट काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। साथियों स्पोर्ट काउंसलिंग होती रही है। क्यों होती है मैं आपको बता दूं, कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, वीडियो पहले आ चुकी और बता देता हूं एक बार। सबसे पहले चीज, आईसीआर की काउंसलिंग चल रही है, वहां पर कुछ विद्यार्थियों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी, क्या होगा कि आईसीआर में कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। आप भी मानते हो कि सर कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं, कुछ कम पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन हो गया। दूसरी चीज, कुछ विद्यार्थी नॉलेज की कमी के कारण, 5000 सीटें अपन माने वहां पर, तो 5-10 ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, कॉलेज से निकाल देंगे, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, वो चीजें। दूसरा ये राउंड, ठीक है। अब इनमें ऐसा तो हो नहीं सकता, और जो विद्यार्थी जाएंगे आईसीआर के अंदर तो वहां पर सीटें खाली रहेगी। स्पोर्ट काउंसलिंग करवाने का मतलब है कि जो भी सीटें खाली रही उनको फिल करना है, स्टूडेंट्स की भर्ती कर एक अपन निकाल देंगे। जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी खाली है वहां पर अपन निकाल देंगे लिस्ट, यहाँ पर इतनी सीटें है, पेमेंट की है, नॉर्मल की है, जिससे कंप्लीट सीटें भर जाए। अब ये बताओ, मान लो यहाँ पर एक कॉलेज के अंदर 60 सीट है और वहां पर 55 एडमिशन हुए, 5 नहीं हुए, तो क्या मतलब है उन 5 सीटों को खाली रख के। तो स्पोर्ट काउंसलिंग आपकी इसीलिए होती है। तो स्पोर्ट काउंसलिंग का जो भ्रम है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी जो टीम है वो लगातार ऐसे थंबनेल लेके आती है, आपको समझ गलत फहमी में ना रहे। ये देखो यहाँ पर गुस्से वाला इमोजी लगा दिया ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, है ना। तो गलत फहमी में ना रहे, गलत इन्फॉर्मेशन ना देके, सही चीज यही है, स्पोर्ट काउंसलिंग आपकी होगी। जितनी सीटें खाली रहेगी वहां पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, कॉलेजों को भरा जाएगा, स्पोर्ट काउंसलिंग में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये चीज आप कैसे जांचेंगे। अपनी जो वीडियो है कट ऑफ की आई है कि कितनी कट ऑफ थर्ड राउंड में रही है, कितनी कम जा सकती है, सीटें खाली रही तो किन विद्यार्थियों को कॉलेजें मिल सकती है, वो चीजें अपन ने वीडियो में मेंशन किया है सारी चीजें। दूसरी चीज, अपन हमेशा देते हैं स्टूडेंट्स को अपनी इंस्टा आईडी ब्राइट एग्रो 4845, ताकि आपकी जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी डाउट है, उनका रिप्लाई दे सके। दूसरी चीज, अब यहाँ पर आपको टाइम पर रिप्लाई ना मिले तो गुस्से में आके वापस मत भाग देना, सर हम तो अनफॉलो कर दिए यहाँ से भाग गए। नहीं बेटा, आपको रिप्लाई मिलेगा, देरी रखना। अब जैसे कि मान लो आपके मैसेज आए हुए थे यहाँ पर 50 मैसेज थे, सर स्पोर्ट काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, होगी या नहीं होगी, तो उनका रिप्लाई मैंने वीडियो के अंदर दे दिया कि स्पोर्ट काउंसलिंग होगी, ऐसे ऐसे होती है, ये प्रोसेस है। अब उनका रिप्लाई अपन लेट भी दे दी तो क्या दिक्कत है, आपके जो भी सवाल है उनको देख के अपने रिप्लाई दे दिए सबके सामने, है ना। तो रिप्लाई आपको ब्राइट एग्रो 4845 है, यहाँ पर आप मैसेज कर देना, कोई कमेंट है, कोई डाउट है आप पूछ लेना, आपका रिप्लाई आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज, स्पोर्ट काउंसलिंग आपकी होगी। स्पोर्ट काउंसलिंग क्या है, A to Z इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो में बता रखी है। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स जिन विद्यार्थियों के कंप्लीट नहीं है, अगर किसी का सिलेक्शन हो गया वीडियो देख रहा है तो वो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। और मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना है, ब्राइट एग्रो 4845 पर आप जुड़ जाना, मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिलेगा। स्पोर्ट काउंसलिंग का जो डाउट है, आई होप, मुझे आशा है कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लेना, कमेंट कर देना वीडियो के अंदर, ब्राइट एग्रो 4845 इंस्टा आईडी है, वहां पर आप मैसेज कर देना। तो स्पोर्ट काउंसलिंग होगी या नहीं, ये चीज मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट काउंसलिंग होगी, यहाँ पर जो भी सीटें खाली रहेगी उनको भरा जाएगा। अब मान लो कि भगवान धरती पर आ जाए और ऐसा हो जाए कि एक भी सीट खाली ना रहे और स्पोर्ट काउंसलिंग ना हो, तो वो अलग बात है ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि होगी, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पोर्ट काउंसलिंग फिलहाल मेरा जो मन है वो कह रहा है कि सीटें खाली रहेगी। थर्ड राउंड में भी कुछ विद्यार्थियों को कॉलेजें मिली है, तो स्पोर्ट काउंसलिंग में भी मिलेगी, आईसीआर में बच्चे जाएंगे, सीटें खाली रहेगी, एक सीट ही रहो लेकिन रहेगी, तो स्पोर्ट काउंसलिंग आपकी होने वाली है। गलत फहमी में ना रहे स्टूडेंट, मैंने आपको ये चीज बता दी है। मोर इन्फॉर्मेशन आप विजिट कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर देना, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।